इसे कैंसिल कर दो, 180 आ जाएगा यहाँ पे। तो एंगल डी प्लस एंगल बी, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 आना चाहिए। देखो यहाँ से 180 आ रहा है। अब बोलोगे कि ए प्लस सी 180 कहाँ आया, तो खैर आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे आप सेंटर एज्यूम कर लो, सेंटर थोड़ा सा ऊपर कर लो ताकि आपको रिफ्लेक्स लेने में आसानी हो, ठीक है। मान के चलता हूँ कि यह एंगल जो होगा, समझ गया ना क्या करना है, जैसे एक प्रोसेस आपने अप्लाई किया ना वहीं पे करना है। तो सिमिलरली मैं ऐसे भी लिखूं तो कोई गलती नहीं है, सिमिलरली एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, जो है प्रूफ करना था प्रूफ हो चुका है। अब मेरे ख्याल से थ्योरम एक भी नहीं बचा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज होगा तो आप बोलोगे, तो मैं एक वीडियो और उसके लिए बना दूंगा, ठीक है। उसके लिए मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो जैसे देख रहे हो आप लोग कमेंट करके बता देना ताकि मुझे भी कुछ समय चाहिए, मैं उसके रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बना दूंगा क्वेश्चन पर, क्योंकि अब थ्योरी में कुछ रहा नहीं। सबसे बड़ा चैप्टर आपके क्लास 9 का यहाँ पे कंप्लीट होता है, थ्योरेटिकल पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ। कंप्लीट तो जब तक आप चाहो तब तक हो नहीं सकता है, और जब तक हो आप तभी होगा, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करना है वो आपके हाथ में है। और मुझे उम्मीद है कि कम से कम आप एक दो बार चैप्टर को जरूर लगाओगे, कम से कम बैलेंस या उसके बाद कोई भी साइड बुक। तो वीडियो कहीं पर कंप्लीट करते हैं, वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।